जितने ना मानो 100% सरकार के गोडे टिकाए हैं और कट्ठे रहियो, जय भर लड़ांगे, जय भर जीतांगे। और किसान कहानी किसे नांगड़ी कर ली नहीं, मीडिया के भाई सुन गए, बताऊं धरती, मैं सारा दिन चुप था, कल भी चुप था, रात सब कर देगा है ये। आज भगवान भी राजी हो गया था, ये प्राकृतिक फैसला होना सब बदला बीमारी, ये तो बताओ कौन सा बदला, भाई समझौता हो गया, अब फैसला क्या, हम 24 घंटे सड़क पे ही रहते हैं पूरे के पूरे दिन, मात्र दो बिंदुओं के ऊपर हमारी कमेटी और प्रशासन क्या रहा। आज एक सरकारी एजेंसी 5000 में सूरजमुखी खरीद रही थी, और 1000 रुपए 52 के नाम पर सरकार खाते में डाल रही थी, 400 रुपए का अंतर बचा हुआ था। सारा दिन इन 400 रुपए पर चल रहा भाई, सरदार जी सुन रहे, तेरा तोड़ कर रहा था तो उनका तोड़ा, सारा दिन 400 रुपया में रोला रहा भाई, समझ गए। बाद में यह तय हुआ, मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट मंगाया गया, उन्होंने स्टेटमेंट दे रखा था जो MSP और भावांतर के बीच में जो गैप रह रहा है उसको 5 या 7 दिन में जल्दी पूरा करके किसान को सही दाम दिया जाएगा, पूरा दाम दिया जाएगा। वो स्टेटमेंट मंगवा करके PC साहब के सामने हमने कहा, आपका CM तो मानना लाग रहे आप खड़े खड़े हो, तब इनके समझ में आई, फिर कहने लगे हम बयान दे देंगे, यानी 5-7 दिन में पूरा 6400 रुपए लोगों को भाव मिलेगा MSP का, सूरजमुखी का। भाई अब रही बात केसों की, हमारा इन्होंने काटी तोड़ रखी है, वो SP साहब ठीक करवाओगा, ट्रैक्टर जो पकड़ रखे हैं वो सारे ट्रैक्टर छोड़ने जाएंगे, अम्बाड़ा के जो केस है वो वापिस होंगे, शाहबाद के जो केस है वो वापिस होंगे, और जितने भी केस चाहे कोई किसी भी किस्म का था, हमारी जो सारा दिन कमेटी की मीटिंग चली, केसों को बिल्कुल लिखित रूप में करम सिंह मथाना जी के अध्यक्षता में भाई संजू गुंडारा और ये जो सारे जा रहे थे, सारे भाइयों ने बिल्कुल लिखित में एक एक केस के ऊपर डिटेल में सारी बातें करके, और इन्होंने SP साहब ने कहा मैं सारे के सारे आपके केस निपटवा दूंगा, ये बातें हुई भाई। प्रधान जी और अन्य किसान जो गिरफ्तार है उनका जो रोड है अपने ब्लॉक करा था, वहां कुछ न कुछ हाईकोर्ट का मैटर बीच में आ रहा था, वहां सोल्व नहीं हो पाया, कल शाम तक गुरनाम सिंह जी और हमारे सारे साथी आपके बीच में होंगे भाई, ये भी तय हुआ। अब ये कमेटी में वार्ता हुई, मैंने आप लोगों को बताया, कोई गलत बात लिखने की माफी चाहूंगा भाइयों, मैं मानता हूं कर मथाना साहब है धरने के अध्यक्ष करेगा घोषणा, आइए मथाना साहब करेंगे धरने के अध्यक्षता, तो अध्यक्ष ही करा करें संपन्न की, तो मैं मानता हूं मेरे भाइयों, कोई मान्य ना मानो 100% सरकार के गोडे टिकाए हैं और कट्ठे रहियो, जय भर लड़ांगे, जय भर जीतांगे। और किसान कहानी किसे नांगड़ी कर ली नहीं, मीडिया के भाई सुन गए, बताऊं धरती, मैं सारा दिन चुप था, कल भी चुप था, अगर किसी ने किसान की तरफ उंगली करी, याद रख वो हाथ में उंगली नहीं पाएगी भाई, कहीं याद रखियो। इन्हीं बातों के साथ मैं माफी चाहूंगा, हमारे सीनियर नेता मेरे पर बैन ला रहे थे, अच्छा संजू की मैं कहना चाहूँ आप भाई मेरे ऊपर बैन लावे थे, मैं तो कलड़ा ना बोलिए, तेरे दिमाग खराब है, माफी चाहूंगा नेताओं से, गणा दर्द था भाई। और वही बात यह है, कट्ठे रहे जाइयो, सरकार आज भी झुकाई, कल भी झुकाई, और तड़के फसकी तड़के भी झुकावांगे, धन्यवाद भाई। साथियों आपके बीच में सत्यपाल मलिक जी सुबह पहुंचने वाले थे, लेकिन हमारा आज धरना समाप्त हो गया, तो उनका समर्थन भी है, अब अध्यक्ष जी से विनती करेंगे वो समापन करें।
सभी साथियों का बहुत धन्यवाद। साथियों आपने साथ दिया, आज सभी साथियों का, पत्रकार भाइयों का, आज अपनी गर्मी में बड़े परेशान है, मैं पहले भी बोल लिया हूँ, आप सभी साथियों को अब धरना समाप्त है, सभी बड़ी शांति से अपने घर जाए। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। एमएसपी पे खरीद शुरू हो और हमने वो रेट मांगा है जो देश के प्रधानमंत्री का रेट था। ये लड़ाई थी देश के प्रधानमंत्री बनाम स्टेट के मुख्यमंत्री के बीच में, और हम आगे भी एमएसपी पे लड़ाई पूरे देश में लड़ेंगे और लड़ाई को लेकर चलेंगे। प्रधानमंत्री को आगे करेंगे, जो प्रधानमंत्री का रेट है वो हर स्टेट में देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री का रेट है वो देना पड़ेगा, भारत सरकार का रेट है एमएसपी वो देना पड़ेगा, और एमएसपी गारंटी कानून के लिए बड़े आंदोलन की जरूरत पड़ेगी। ये बड़े आंदोलन की जरूरत शुरुआत यहाँ से हुई है। जाम खोल दिया जाएगा, फिर जाम आज खुल जाएगा, वो इनकी प्रक्रिया है, कोर्ट की प्रक्रिया है, एक दो दिन में वे आ जाएंगे। आंदोलन समाप्त हुआ है, गेट यहाँ पे रास्ता सब चल जाएगा। तूफान आ गया अब किसानों का तूफान है ये। उन्होंने कहा है कि केस वापसी होगी, किसान का जो भी भारत सरकार का भाव है वो मिलेगा। अगर नहीं मिला ये कोई किराए पर नहीं आने, फिर यही है स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करवाना चैलेंज होगा, वो भी उस पर एक आंदोलन होगा। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट और एमएसपी गारंटी कानून, ये दो बड़े सवाल हमारे हैं, इस पे आंदोलन शुरू होंगे। नहीं कोई नहीं, सरकार को नाम किसी सरकार को झुकाते ना किसान झुकता, ये एक समझौता है, हमारा हक है, उसको हमने मांगा, हम किसी को झुकाने का और उसका काम नहीं करते। कितनी बड़ी जीत मानते हैं सर इसको आज जो जीत, ये एक समझौता है और हमने उस समझौते पे डिमांड करी है, जो भारत सरकार के रेट है वो हमने मांगा है। कमेटी के साथ बैठक में सर क्या कुछ चर्चा हुई, कि ये सारे इशू पर चर्चा हुई आज। भगवान भी राजी हो गया सर, ये प्राकृतिक फैसला हो रहा सब, ठीक है सर, जो फैसला हो रहा था देख रहा था, आप कहीं भावुक हो रहे हैं, सारे दोस्त इकट्ठा हुए एक जगह पे, और हम ये इकट्ठा ही, हमको अलग अलग थोड़ा नहीं, भाई खेती बड़ी है, कोई कहीं कर रहा कोई कहीं कर रहा, जब ब्यास आती हो आरी बीमारी हो सब अपना इकट्ठा हो जा। केस सारू की बात हुई, सारे ही वापसी होंगे, अरे आ जाएंगे, अभी क्या को जल्दी है, एक आध दिन में आ जाएंगे। जेवर में भी लड़ाई चल रही है किसानों के हक को लेकर, वहाँ पे जमीन अधिग्रहण का बड़ा इशू है, और जेवर जैसे एयरपोर्ट कई देश में बढ़ रहे हैं उनकी लड़ाई है, अधिग्रहण का इशू है, 64% का इशू है, जो उनको शिफ्ट कर रहे हैं उसका इशू है, ये बड़ी लड़ाई है। ट्विटर के सीईओ ने कहा है, हाँ तो जेवर में तो लड़ाई चली रही, ट्विटर के सीईओ ने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान ये बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा है कि हमारे ऊपर प्रेशर था भारत सरकार का कि जो भी किसान आंदोलन को कवर कर रहे हैं उनके ट्विटर बंद कर जाए, और बहुत ट्विटर बंद किए भी हैं हमारे किसान संगठन के भी, कई ट्विटर बंद है, ट्रैक्टर टू ट्विटर बंद है, किसान मोर्चे का ट्विटर बंद है, कई पत्रकारों के ट्विटर बंद है, ये प्रेशर बिल्कुल है, घोषित आपातकालीन है, सब देश को पता है, पूरा देश की प्रॉपर्टी एक ही आदमी को बेची जा रही है, यहाँ से बहुत देश से उद्योगपति देश छोड़ कर बाहर जा रहे हैं, ये खतरनाक स्थिति देश के सामने है। चुनावों को लेकर भी सर लड़ाई रहेगी, 24 चुनाव, हमारा चुनाव से कोई संबंध नहीं है, हमारा चुनाव से कोई संबंध नहीं है, ना हम चुनाव लड़ेंगे ना हमारा चुनाव। अरे पता चल जाएगा जितनी रुपए बनी ठीक है, नहीं बनी तो फिर आंदोलन सही। तो बिल्कुल राकेश जी दो दिन से सर आप लगातार जो है यहाँ पे डटे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे, आज जीत मिली है बड़ी जीत, ये हुआ है किसान का एक समझौता हुआ है, सम्मानजनक उसका समझौता हुआ, और हमारी जो एसकेएम की कमेटी थी, जो लोकल कमेटी थी, उन लोगों ने सबने एक समझौता हुआ प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में बैठकर समझौता। गुरनाम सिंह चडूनी अभी तक बाहर नहीं आए हैं, और आ जाएंगे बाहर, क्या रात को आओगे, वे कल आ जाएंगे, कई केसेस जो है दर्ज किए गए, अरे हो जाए केसेस तो सरकार दर्ज करे वही वापसी ले ले। किन मांगों के ऊपर सहमति बनी है, क्या ये है कि एमएसपी जो भारत सरकार का रेट होगा उस पर खरीदो, जो डिफरेंस का पैसा है वो दिया जाएगा।
सन सूरजमुखी के जो बीज है 6400 रुपए आपने तय करे, क्या वो देने के लिए राजी हो? वो देंगे। बाकी फसलों की एमएसपी का भी एक वो उसका एक पूरे देश में आंदोलन चलेगा। जेवर को लेकर क्या करेंगे वहाँ पे भी इसी तरह? जेवर में भूमि अधिग्रहण का इशू है, वे वहाँ पे चले क्योंकि जेवर बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, वहाँ पे बहुत गाँव की जमीन उठाई जा रही है, जो गांव समाज की जमीन है उस पर भी गांव का हक है। गांव जब शिफ्ट होंगे तो जिनकी जमीन भी नहीं है उनको शिफ्टिंग और वो सारे चीजें उनको मैं सुविधा के दी जाए। आज जो जीत मिली है सब उसे कैसे देखते हैं? कोई जीत और कोई हार किसी की नहीं है, वो एक समझौता है और जब बैठकर टेबल पर समझौता होता है तो उसमें हार और जीत नहीं है। सरकार पर जिस तरह से प्रेशर बना पाए आगे भी इसी तरह से किसानों का दिलवा बातचीत हुई है, प्रेशर नहीं इसको कहते, एक बातचीत के माध्यम से समाधान हुआ है। जीते के सब अगर टिडानी साहब को अभी नहीं छोड़ा अरे छोड़ देंगे। अचानक ऐसा क्या हुआ कि आप लोगों ने फैसला अपना बदल लिया? कौन सा फैसला बदला आपने? अरे कौन सा फैसला बदला बीमारी, ये तो बताओ कौन सा बदला? भाई समझौता हो गया, अब फैसला क्या? हम 24 घंटे सड़क पे ही रहते हैं, होगा समझौता अपना घर चलेंगे। पिपली में किसानों का आंदोलन खत्म हो चुका है इस वक्त, राकेश टिकैत हमारे साथ मौजूद है। आंदोलन खत्म हो गया, आंदोलन का समापन होगा समझौते के आधार पे, आंदोलन का समापन होगा। किन मुद्दों पर सहमति बनी है? जो भारत सरकार का रेट है, जो प्रधानमंत्री का एमएसपी का रेट है, वो रेट यहाँ पे सरकार देगी और जो किसान है वो रिहा होंगे, उनके मुकदमे खत्म। कब तक रिहा होंगे? हो जाएंगे कल वल परसों, अगर मांगे पूरी नहीं होती। अरे आपके आगे बता देंगे, कोई किराए पर आ रहेगा? बिल्कुल सुरनाम सिंह चटोनी है जिनका। हरियाणा में खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।